कुदेव जो पीएससी मां होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल। का कर लेतेस रे टेंशन, अरे का कर लेतेस रे टेंशन, जब अफसर बनके ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। आप सभी का फिर से कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। हम लोग कंप्यूटर की सीरीज में इनपुट डिवाइस हम लोग देख चुके थे। आज से हम लोग को आउटपुट डिवाइस देखना था। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आउटपुट क्या है। तो आउटपुट क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में सूचनाओं को देते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद वो रिजल्ट देता है और रिजल्ट देना ही आउटपुट कहलाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। जब प्रोसेस डेटा कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है उसको आउटपुट कहते हैं, और जिस माध्यम से दिया जाता है उसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो आज की जो चर्चा है मुख्य रूप से हमारी आउटपुट डिवाइस पर ही रहेगी। आउटपुट डिवाइस क्या है? तो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाने वाला जो परिणाम है, जिस माध्यम से दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट। तो परिणाम है, ठीक है। तो परिणाम को जिस माध्यम से दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आउटपुट डिवाइस जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप देख लें रिजल्ट को कि हाँ शो हो रहा है। जैसे नेट पे जब हमारा कॉलेज का या स्कूल का रिजल्ट आता है तो हम अपना बेसब्री से रोल नंबर डालते हैं और हम लोग रिजल्ट को देख लेते हैं। तो ये सॉफ्ट कॉपी आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया। और उसी को जब हमको प्रिंट करके जब कॉलेज में जाते हैं तो हमको प्रिंटेड मस्त एक ठो A4 साइज का एक आपको प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाता है कि ये आपका रिजल्ट है। वो तो हार्ड कॉपी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आउटपुट डिवाइस भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, जिसमें हमको रिजल्ट केवल और केवल देखकर या सुनकर प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे होगा? एक वीडियो आउटपुट होगा और एक ऑडियो आउटपुट होगा। यानी केवल हम एक में देख सकते हैं और दूसरे में हम क्या कर सकते हैं? केवल और केवल सुन सकते हैं। दूसरा जो होगा हार्ड कॉपी होगा। हार्ड कॉपी में क्या होगा? आप क्या कर सकते हैं, जो रिजल्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथ में छू सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? घर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रिंटर हो गया और प्लॉटर। प्लॉटर मतलब प्रिंटर का बड़ा साइज। मैं सबको डिटेल से बताऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो आउटपुट डिवाइस है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हैं। एक आपका है सॉफ्ट कॉपी, जो एक आपका वीडियो आउटपुट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है, इमेज के फॉर्म में। और एक होता है ऑडियो आउटपुट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो आउटपुट के जो ऐसे एग्जाम्पल हो गए, जैसे मॉनिटर हो गया। मॉनिटर के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, बहुत कॉमन है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर में भारी बड़ा पिक्चर उच्चर देखते हैं मॉनिटर, है ना, प्रोजेक्टर। उसके अलावा ऑडियो जो है, ऑडियो आउटपुट स्पीकर हो गया, ईयरफोन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके ऑडियो आउटपुट हो गए। यहीं पर मैं बताना चाहता हूं कि स्पीकर और ईयरफोन होगा। यहीं पर जैसे आपका माइक हो गया, माइक। तो माइक अगर दे तो माइक जो है, माइक इनपुट डिवाइस, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, माइक जो है ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। माइक और स्पीकर में बहुत अंतर होता है, ओके। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो आगे बढ़ते हैं। और हार्ड कॉपी में प्रिंटर और प्लॉटर। तो प्रिंटर तो सभी लोग जानते ही हैं, तो हम इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के प्रिंटर और क्या क्या होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और उसमें हम लोग देखते हैं वीडियो आउटपुट डिवाइस। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉनिटर को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मॉनिटर स्टार्ट करते हैं, किसमें हम लोग सॉफ्ट कॉपी में पढ़ रहे हैं। क्या है? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर मॉनिटर दिख रहा होगा, डेजर्ट है ये, ठीक है। तो आप बस मॉनिटर देखिए, ये आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसको वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल मतलब दिखने वाला, डिस्प्ले मतलब वो हो गया, और यूनिट मतलब इकाई। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी मॉनिटर को जाना जाता है। मॉनिटर की अगर बात करें तो मॉनिटर भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। मॉनिटर भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, एक डिस्प्ले के आधार पर और एक आपका तकनीक के आधार पर है, टेक्नोलॉजी के आधार पर भी आपके मॉनिटर को बांटा गया है, ठीक है। डिस्प्ले मतलब देखने के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? देखने के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, और तकनीक के आधार पर भी क्या होंगे? 4 प्रकार के। यानी टेक्निक देखिए, CRT होता है, LCD होता है, LED होता है, TFT होता है, ये आपके क्या हो गया? मॉनिटर के प्रकार। मैं सबका डिटेल करूंगा, पहले आप देख लें। डिस्प्ले के आधार पर हम देखते हैं मॉनिटर, मोनोक्रोम, आपका ग्रे स्केल और कलर, ठीक है। तो डिस्प्ले के आधार पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले मॉनिटर को। तो सबसे पहला है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम का मतलब ही समझ लीजिए, इसमें क्या होगा? मोनोक्रोम कंप्यूटर जो सिंगल कलर यूज करेंगे, है ना, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, केवल अब सफेद और काला, केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखे, उसी को मोनोक्रोम बोलते हैं, है ना। सिंगल कलर है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर जिसमें प्रदर्शित हो उसको मोनोक्रोम। पहले के जो कंप्यूटर होते थे मोनोक्रोम होते थे, ठीक है। डिस्प्ले मतलब देखने के आधार पर, मैं फिर से बता दूं, ये किसके आधार पर है? देखने के आधार पर, ठीक। तो मोनोक्रोम कंप्यूटर क्या होते हैं? तो मोनोक्रोम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें केवल और केवल आप ब्लैक और व्हाइट में आप क्या कर सकते हैं? इमेजेस को या आउटपुट जो दिया है कंप्यूटर ने उसको देख सकते हैं। दूसरे बात होता है ग्रे स्केल, ठीक है। ग्रे स्केल इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ये क्या करता है? ग्रे, ग्रे मतलब आप समझ ही रहे हैं, भूरा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ग्रे ग्रे टाइप से हो गया। आपका व्हाइट और ब्लैक को थोड़ा सा मिला देगा और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको ग्रे कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ग्रे स्केल क्या होता है? सफेद और काले को मिलाकर कौन सा कलर देता है? ग्रे कलर प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सफेद और काले को मिलाकर क्या प्रदान करेगा? ग्रे कलर प्रदान करेगा। तो थोड़ा सा इससे एडवांस हो गया, तो यानी ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्राउन थोड़ा सा दिखेगा। उसके बाद आता है कलर, ठीक है, जो आजकल यूज होता है कलर मॉनिटर, ठीक है। तो कलर मॉनिटर क्या होता है? ये मुख्य रूप से RGB पे काम करता है, RGB, ठीक है। RGB मतलब हो गया R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू, ठीक है, ब्लू। 3 आपके याद रखे, यही बेसिक कलर होते हैं, ठीक है, बाकी इससे मिक्सचर से बनते हैं। तो बेसिक कलर ये भी 3 होते हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। तो ये RGB के सिद्धांत पर काम करता है, यानी इसमें 3 कलर होते हैं और बाकी मिक्स करके बनाए जाते हैं। मैक्सिमम कलर कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो 256 तक ये कलर कॉम्बिनेशन या 256 कलर प्रोड्यूस कर सकता है मिला मिलाकर, ठीक है। 32 से फिर 164 फिर 128, मैक्सिमम कितना कर सकता है? 256 कलर जो है, कलर की क्वालिटी जो है, कलर के प्रकार जो है मिक्स करके क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। तो याद रखिएगा, कलर जो मॉनिटर है ये RGB का टेक्निक का यूज करता है। RGB मतलब इसमें क्या हो गया? रंग बिरंगे चित्र दिखेंगे, ठीक है, रंग बिरंगे चित्र दिखेंगे। और रंग बिरंगे जो चित्र दिखते हैं वो पिक्सल्स से बने होते हैं। तो एक नया चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पिक्सल्स, ठीक है। आप लोगों ने, हालांकि आजकल मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो हम लोग सुनते ही रहते हैं पिक्सल, ठीक है, इतना मेगापिक्सल, ये मेगापिक्सल। तो पिक्सल क्या है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। पिक्सल, ठीक है, पिक्सल क्या होते हैं? तो जो चित्र है, जो चित्र है, जो इमेजेस है मॉनिटर पर या फिर आपके मोबाइल पर छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे आपके क्या होते हैं? बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और उन्हीं बिंदुओं को हम लोग पिक्सल कहते हैं। एक्चुअली वो बिंदु जो होते हैं वो बॉक्स के साइज के होते हैं। तो फिर से बता दूं, जो चित्र होता है छोटे 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 बॉक्स या बिंदुओं से मिलकर बनता है, बिंदुओं से मिलकर बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग पिक्सल कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल। ऐसे देखिए, ये आपका इस तरह से, तो ये एक, अब ये डॉट दूर दूर है, अगर इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चित्र बनेगा। कभी आप ना ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा तो कभी आप किसी फोटो को जूम करके देखना, ठीक है, तो आपको जूम करके दिखेगा तो आपको दिख जाएगा छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उसमें कलर्स होते हैं, ठीक है, तो उन कलर्स को मिलकर, और ये पास होने चाहिए ना, देखो अगर दूर दूर होगा, पिक्सल दूर दूर है यानी क्वालिटी खराब, ठीक है, और पिक्सल पास पास है यानी क्वालिटी बहुत अच्छी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। पिक्सल क्या होना चाहिए, पास पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पिक्सल से बनके मिलता है। थोड़ा सा इसमें के टर्मोलॉजीज को और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे काम करता है। देखिए इसके जो रेट है ना, ठीक है, कैसे इसको नापते हैं, तो डीपीआई से नापते हैं। किसमें नापते हैं, डीपीआई, डॉट्स पर इंच, ठीक है, डॉट्स पर इंच। जैसे मैंने बताया ना, पास पास होगा तो बहुत अच्छा चित्र बनेगा, ठीक है, दूर दूर होगा तो थोड़ा सा खराब चित्र बनेगा। तो हम लोग नापेंगे कैसे, तो इसकी जो इकाई होती है, इमेज की इकाई, जो हमारे चित्र की इकाई है जिसपे हम लोग मापते हैं, ठीक है, डीपीआई बोलते हैं उसको, डॉट्स पर इंच। तो डॉट्स पर इंच यानी जो डॉट है, यानी जो बिंदु है, जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, वो कितने कितने दूर है, उसको नाप कर हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को पता कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, नापते किसमें है, डॉट्स, डीपीआई में, सॉरी, ठीक है। इसके बाद कुछ और टर्मोलॉजी से उसको भी इसी में समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक मिलेगा रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है, जितने देर में कंप्यूटर अपने आप को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश करने का मतलब है आपका जितनी सूचनाओं को जितनी देर में क्या करता है, रिफ्रेश करता है, उसको रिफ्रेश रेट करते हैं। रिफ्रेश रेट को हर्ट्स में नापते हैं। किसमें नापते हैं, हर्ट्स, हर्ट्स, ठीक है। अभी मैंने डीपीआई आपको बता दिया, डॉट्स पर इंच, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये इमेज, ये क्वालिटी की क्या है, आपकी इकाई है। हर्ट्स में नापते हैं किसको, रिफ्रेश रेट को। किसके नापेंगे, रिफ्रेश रेट को हर्ट्स में नापेंगे। रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन देखिए, पिक्सल के ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल आपके पिक्सल्स के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन याद रखिएगा, आपका रेजोल्यूशन जो है ये हाई होने के लिए पिक्सल्स को पास पास होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है, गुणनफल, आपका हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सलों के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें रेजोल्यूशन अच्छे होने के लिए क्या चाहिए, आपको रेजोल्यूशन अच्छा होगा, पिक्सल्स क्या होंगे, आपका क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। जैसे मान लो, ऐसे समझो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन जितना ज्यादा होगा रेजोल्यूशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जितने भी बॉक्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन रेजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, तो रिस्पॉन्स टाइम देखिए, जब हम किसी इमेज पर क्लिक किए वो जो इमेज है वो जो चेंज हुआ, तो चेंज होने में जितना समय लिया ना उसी को रिस्पॉन्स टाइम कहेंगे। जैसे आपने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, किसी और का चित्र था, जैसे कभी कभी ज्यादा स्टोरेज हो जाता है तो हम क्लिक करते हैं तो बहुत लेट में स्लो खुलता है, तो रिस्पॉन्स टाइम कहने का मतलब है कि जितने देर में क्या करेगा, एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर चेंज होगी, उसी को हम लोग रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ये क्वालिटी पे बहुत असर करता है। तो रिस्पॉन्स टाइम याद रखिएगा, एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर चेंज करने में लगा समय ही रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। और ये लास्ट में डॉट पिच। तो डॉट पिच क्या होता है, देखिए डॉट पिच क्या होते हैं, तो डॉट पिच जितनी कम होगी आपका रिजोल्यूशन उसका अच्छा होगा। डॉट पिच सिंपल से आप समझ सकते हैं, रिजोल्यूशन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो डॉट पिच जो है रिजोल्यूशन का उल्टा होगा, डॉट पिच कम रिजोल्यूशन ज्यादा। मैंने लिख भी दिया है, डॉट पिच अगर कम है तो रिजोल्यूशन ज्यादा। डॉट पिच मतलब दूरी समझ लो आप, ठीक है। तो डॉट पिच जितनी कम है रिजोल्यूशन क्या होगा उतना अच्छा। डॉट पिच, ये मान लो डॉट है, ठीक है, कलर नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो डॉट पिच मतलब क्या होगा, दूरी, क्या है दूरी, तो एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डॉट पिच। लिख दे क्या, एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट पिच कहेंगे। और डॉट पिच के लिए एक कंपलसरी है, ये कम रहेगा रेजोल्यूशन ज्यादा रहेगा, क्वालिटी जो है अच्छी रहेगी, है ना, क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपको जो मॉनिटर के लिए आपको याद रखनी है, ठीक है। आजकल क्वेश्चन बहुत डीप से आने लगे हैं। तो उसके बाद हम लोग को देखना है वीडीटी, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ठीक है। इसको देखो, जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर का मैंने नाम बताया, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडीयू के नाम से जानते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, विजुअल की जगह वीडियो भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको कंसोल के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, कंसोल। याद रखिएगा कंसोल के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉनिटर होता है उसको टर्मिनल बोलते हैं, वीडीयू बोलते हैं और आपका कंसोल बोलते हैं। टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल तीन प्रकार के होते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है ना वो तीन प्रकार के होते हैं, आजकल मॉनिटर बहुत एडवांस आने लगे हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के होते हैं क्या आपके टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है डम टर्मिनल। डम टर्मिनल क्या होता है, जिसमें आप खाली चित्र देख सकते हो, है ना, सूखा बस चित्र दिखेगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ना प्रोसेसिंग होगा ना स्टोरेज होगा, बस चित्र देख सकते हैं, आउटपुट की तरह, आउटपुट डिवाइस की तरह काम करेगा, बस चित्र देखेगा, उसको डम कहते हैं, है ना। उसके बाद होता है स्मार्ट टर्मिनल। इसमें क्या कर सकते हैं, चित्र तो देख ही सकते हैं, प्लस आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग का भी काम करता है आपका मॉनिटर, तो वो आप क्या कहेगा, स्मार्ट है, स्मार्ट। और साथ साथ प्रोसेसिंग साथ अगर स्टोरेज भी वो करने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के साथ अगर क्या काम कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट टर्मिनल के नाम से जानेंगे। तो मॉनिटर भी, आपका मॉनिटर टर्मिनल भी तीन प्रकार के होते हैं, वीडीटी आपका डम टर्मिनल जिसमें केवल और केवल क्या दिखता है, आउटपुट यानी चित्र दिखता है, स्मार्ट टर्मिनल जिसमें चित्र और के साथ साथ प्रोसेस भी होता है, और इंटेलिजेंट टर्मिनल जिसमें प्रोसेस के साथ साथ स्टोरेज भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा, ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉपी में हम लोग ने क्या बोला, वीडियो में मॉनिटर वाला जो सेक्शन है, मॉनिटर वाला सेक्शन में मॉनिटर डिस्प्ले के आधार पर मॉनिटर को हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट जो आएगा हमारा कौन सा है, तकनीक के आधार पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक चीज छूट गई है इसमें, प्रिंटर के बाद में हम लोग ना एक प्रिंटर के ही प्रकार में पढ़ेंगे, 3D प्रिंटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक पोस्ट ऑफिस ही 3D प्रिंटर से बना दिया गया है और एक क्रांति ला सकता है हमारे आउटपुट सेक्शन में, हमारे पूरे मतलब बिल्डिंग में, कुछ भी चीज में अगर हमारे देखा जाए तो एक आर्किटेक्चर जो फील्ड है उसमें क्रांति लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने आज क्या देखा, तो हमने मॉनिटर के प्रकार में डिस्प्ले देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तकनीक के आधार पर जो है मॉनिटर के अन्य प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।